दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एमएस एक्सेल में कोई भी शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं। अपने से शॉर्टकट की बनाना एक्सेल में बहुत ही आसान है और इसमें बने हुए हैं। बस आपको उसका ट्रिक जानना है कि आप कैसे उस शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे आपको कोई भी बार बार यूज करना है कोई भी चीज़, ठीक ना। अब आप उसके बारे में कब तक उसी को बार बार ओपन करेंगे, बार बार क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद उसे ऐड करेंगे, आप उसका शॉर्टकट की जान लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारे वीडियोज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कीबोर्ड के अल्टा बटन प्रेस करिए। अल्टा बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ठीक ना, तो ये शॉर्टकट की जिसके ओपन होने लगते हैं। जैसे अल्टा के साथ एच प्रेस करेंगे तो होम ओपन हो जाएगा, ठीक है। होम अगर आप इसके बाद अल्टा ही बटन से एन प्रेस करेंगे, अल्टा प्लस एन, अल्टर प्लस एन तो इंसर्ट, अल्टर प्लस पी तो पेज लेआउट, अल्टर प्लस एम, अल्टर प्लस ए, आर, डब्ल्यू, आप इनमें से जिनको भी ओपन करना चाहते हैं, ठीक ना, आप उनको क्लिक कर अल्टा प्लस कर दीजिए एच, अल्टर प्लस एच हमने किया तो होम मेनू ओपन हो गया। अब देखिए, इन सब के कलर सब में जो जो शॉर्टकट कीज हैं वो सारे दिख सारे दिख रहे हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं, देखिए 3, 2, 1, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे एफ ए तो अल्टर प्लस एफ ए, ठीक, ये ओपन हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह से ये देखिए आ गया ना फॉर्मेट सेल्स, इसे क्लोज कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी वर्ड आप लिख दीजिए, जैसे मैं इसको कितने में लिखना चाहता हूँ, जैसे ये, ठीक, तो आप इसे होम पे जाके मर्ज सेंटर करना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप इसके लिए, आपको मैं शॉर्टकट की दिखा रहा हूँ, आप जैसे ही अल्टर बटन प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद एच, अल्टर प्लस एस तो होम, और इसके बाद मर्ज एंड सेंटर के लिए आप क्या शॉर्टकट की दी हुई है, ई एम, तो अल्टर प्लस ई एम, तो मर्ज एंड सेंटर आ गया। अब सी प्रेस करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। दोस्तों, यही होता है शॉर्टकट की। आप इसमें कोई भी शॉर्टकट की बना लीजिए, अल्टर बटन क्लिक करिए, प्रेस करिए, इसके बाद आप जो भी, जैसे व्यू में जाना है तो डब्ल्यू, और इसके बाद जो भी आपको नॉर्मल यूज करना है तो यल, आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किए होते हैं, फिर इसके बाद अल्टर प्लस डब्ल्यू प्लस एल, ये देखिए ये नॉर्मल आ गया, ठीक है ना, नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप इसमें कुछ और अलग करना चाहते हैं तो आप ये देखिए यल पेज लेआउट, पेज ब्रेक वन, फुल स्क्रीन ई, अब आप ई प्रेस करिए फुल स्क्रीन आ गया। यही है दोस्तों, ये बहुत काम की ट्रिक है। यदि आपसे आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए हमारे वीडियोज़ को। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएंगी, जिसे आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद।